नमस्कार, खबर फास्ट पर उत्तर प्रदेश लाइव लेकर हाजिर हूं मैं कायनत अंसारी। गंगा का धाम और अयोध्या के राम यूपी की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान रहे हैं। प्रदेश की सियासत पर काबिज बीजेपी की सियासत के केंद्र में राम और गंगा हमेशा से रहे हैं। अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो गंगा की निर्मल धारा के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता मिशन चलाने के साथ कई जागरूकता अभियान चलाए गए। इसी कड़ी में योगी सरकार ऐसे 75 योद्धाओं को सम्मानित करने जा रही है जिन्होंने गंगा की सफाई से जुड़े कार्यों में अहम रोल अदा किया है। गंगा सफाई और जल संरक्षण क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाली सामाजिक संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों को योगी सरकार सम्मानित करने वाली है। इन 75 लोगों के चयन का जिम्मा नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सौंपा गया है जो प्रदेश भर से ऐसे लोगों का चयन कर उनकी सूची तैयार करेगा। जल शक्ति विभाग और खास तौर से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी उनके बेहतर कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तर पर इन पुरस्कारों का वितरण मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर सकते हैं। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अफसरों को योजना की तैयारी के निर्देश दिए। अभी रविवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समग्र गंगा कार्यक्रम के दौरान गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए ही पीएम नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया था। इस परियोजना ने भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने यूपी में गंगा के अविरल होने की बात कहते हुए कहा था कि सरकार ने राज्य में गंगा नदी में गिर रहे सीवर और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए 46 परियोजनाओं में से 25 को पूरा कर लिया है, बाकी 19 पर काम चल रहा है। गंगा की धारा निर्मल बनाने के लिए सरकार ने जो खाका तैयार किया है और जो जागरूकता अभियान चलाए गए उनका कितना असर जमीनी स्तर पर दिखता है और गंगा सफाई से जुड़े योद्धाओं के सम्मानित करने की जो योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है उससे गंगा स्वच्छता अभियान को कितना बल मिलेगा और लोगों का मनोबल क्या इससे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश लाइव में आज होगी इसी पर चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो आज बात होगी गंगा की स्वच्छता को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों और इस सम्मान समारोह को शुरू करने की बात पर। तो गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के दावे कितने दमदार हैं और ये जो सम्मान योजना सरकार शुरू करने वाली है ये कितना इसे बल देने वाली है स्वच्छता अभियान को, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जुड़े हैं। इसके अलावा रोहित उमराव हमारे साथ जुड़े हैं जो कि स्वयंसेवी हैं गंगा स्वच्छ अभियान से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्वयंसेवी जो गंगा के स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं रोहित उमराव, उनसे ये जानना चाहूंगी। रोहित जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया है कि अब गंगा अविरल हो रही है और जो परियोजनाएं 46 परियोजनाएं शुरू की थी सरकार ने, 19 पर ही काम बाकी रह गया है, बाकी जो परियोजनाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं, इन तमाम दावों को बातों को आप कैसे देख रहे हैं, गंगा की स्वच्छता को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मैम जी। मैं बताना चाहूंगा कि गंगा की जो स्थिति है उस पर सरकार ने जो कार्य किए हैं या कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं, लेकिन धरातल पर यदि देखें तो गंगा को पूरी तरह से जो उसको स्वच्छता की ओर हम लोग अग्रसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। उसका कारण यह है कि सरकार अपने प्रयास कर रही है लेकिन जन जन जब तक इस पूरे इस मुद्दे से, इस धारा से नहीं जुड़ेगा कि हमको वाकई अपने देश की नदी, राष्ट्रीय नदी या अन्य तमाम जल स्रोतों को बेहतर बनाना है, इसके लिए हमको पालन खुद से करना है। अगर हम जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक गंगा को कोई स्वच्छ नहीं कर सकता है और ये सारी कहने की बातें होंगी। नंबर दो, मैं ये कहूंगा कि नदियों के किनारे आज भी बहुत सारे बड़े शहरों से नाले ट्रीट करके गंगा में नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर नाले खुले आम बड़े शहरों में मिल जा रहे हैं, वो कभी कभी समय के उपरांत, यानी जैसे दिन का समय है तो दिन के समय में ट्रीटेड वाटर जा रहा है,
रात में वो पानी ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर आप देखें तो कानपुर में आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जरा उसके बगल में खड़े होकर के देखेंगे क्या आप कुछ पल के लिए उस नजारे को देख पा रहे हैं, या गंगा से वार्तालाप करते समय उस बात को जो महसूस कर रहे हैं, उसमें बदबू और गंदगी की तमाम ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो नदी खुद बता रही है कि मेरे अंदर कितना सारा मलबा आज भी जा रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रयाग से और बनारस से पटना तक, और पटना के आगे जब आप हावड़ा और कलकत्ता जो बड़ा शहर पड़ता है लास्ट में, लेकिन रोहित जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत साल से यही स्थिति जो है वो चली आ रही थी, गंगा जो है प्रदूषित हो रही थी, मैली हो रही थी, लेकिन जो प्रयास हो रहे थे वो उतने ईमानदार कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी जैसे आपने कहा कि जो सरकार ने प्रयास किए हैं, कदम बढ़ाए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। और इससे पहले क्या आपने कभी इस तरह से देखा कोई सरकार इस तरह से गंभीर हुई हो गंगा की स्वच्छता को लेकर, निर्मलता को लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा गया है। और वाकई बीजेपी सरकार कार्य अच्छे कर रही है, और इस कार्य के साथ साथ मैंने फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि जन जन का जुड़ना बेहद आवश्यक है। गांव जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उन गांवों में आज भी बारात, शादी, जो भी ऐसे कार्य होते हैं, लोग आज भी थर्माकोल की पत्तल, ग्लास सब नदी के किनारे फेंकते हैं। मैंने उन कई गांवों में से लोगों से पूछा कि आखिर ये क्यों करते हैं, ये तो हमारी नदी को दूषित करेगा। तो उन्होंने कहा गंगा तो बढ़िया इसको बहा के ले जाती है, हमको कहाँ फेंकना इधर उधर पड़ेगा, हम फेंक करके इधर उधर तमाम डालेंगे, इससे अच्छा इस किनारे डाल दें और ये बह के चली जाएगी। लेकिन हमारा जो प्रयास है, सरकार का जो प्रयास है, वो अच्छा है, घाटों को बनाने का काम, घाटों को सजाने का काम, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर की तरह दिखता है। गंगा से आप जब बातचीत करेंगे, गंगा के साथ चलेंगे, गंगा के साथ जब जिएंगे, तब आपको लगेगा कि गंगा वैसी ही थी जैसी आज भी है। जब तक जनमानस, आम जनमानस नहीं चेतेगा, तब तक सरकार के उन कार्यों पर असली मोहर नहीं लग पाएगी। ठीक है, ये सिर्फ ऊपरी साज सज्जा है, बाकी अंदर जो बीमारी है वो और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह, मैं आपसे चाहूंगी आप इस पर अपना रिमार्क दें, क्या कहेंगे, सरकार के प्रयास तो अच्छे हैं लेकिन अभी भी आधे अधूरे दिखाई देते हैं, गंगा जितनी स्वच्छ या निर्मल दिखनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है अभी भी? देखिए, जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को कार्य रूप देने का कार्य शुरू किया गया, और तब से लेकर आज तक देखिए लगभग 100 से अधिक बड़ी योजनाओं को कार्य रूप दिया गया है। लगभग 170 बड़ी योजनाएं को कार्य रूप दिया गया है। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत हुए थे और उसके बाद भी उसमें धन स्वीकृत किए गए और बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं। आप देखे होंगे जो हमारा निर्मल गंगा, अविरल गंगा के लिए जो कृत संकल्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उस पर जोर शोर से काम किया गया। हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे निश्चित तौर पे एक जन जागरूकता भी चलाए जाने की आवश्यकता है। अभी भी लोग जैसे लगता है कि चोरी से या अपना अधिकार समझते हुए जिस तरह से गंगा में चीजों को बहा देते हैं, उसको नहीं बहाया जाना चाहिए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के जो प्रयास हैं वो बहुत हद तक सफल हुए हैं, आगे भी हम प्रयास करेंगे। और गिनती जो हमने एक से लेके शुरू कर दिया है, 97-98 तक पहुंच गए हैं, निश्चित तौर पे हम 100 भी प्राप्त करेंगे। और इन योजनाओं के द्वारा आप देखिए लगभग भारत के भूभाग का 25% जल स्रोत अकेले गंगा जी के द्वारा सिंचाई के कार्यों में, पीने के कार्यों में और तमाम जो यहाँ पे जल की आवश्यकता है पूरा किया जाता है। तो इस तरह की योजनाओं से देश और प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। एसएन सिंह जी, अब यहाँ पर जो सम्मान समारोह की तैयारी सरकार कर रही है, गंगा के साफ सफाई से जुड़े हुए 75 लोगों को, योद्धाओं को जो सम्मानित किया जाएगा, और इस अभियान से जुड़े जो दूसरे इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल टीम के मेंबर्स को भी सम्मानित करने की सरकार ने योजना बनाई है, इससे क्या लगता है कि लोगों में जागरूकता और बढ़ेगी? गंगा का जो स्वच्छता अभियान चला आ रहा है, नमामि गंगे जो एक मिशन चल रहा है, उसको भी बल मिलेगा इससे? देखिए, इससे इस बात को बल मिलेगा
कि अगर आदमी पुरस्कृत होता है, उसकी भागीदारी बढ़ती है, सहभागिता बढ़ती है, निश्चित तौर पे मानता है हमने अच्छे कार्य किए हैं इसलिए पुरस्कृत हुए हैं। और तमाम ऐसे एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने बढ़ करके हिस्सा लिया और उन्होंने निजी तौर पे सरकार की मदद से ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार जो आज इस योजना का लगभग 80% चीजें पूरा कर पाई है, वो समाज सेवी संस्थाओं का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो जब हम उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य करेंगे, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक जागरूकता इस काम में, और आगे सरकार कैसे और बढ़ सकती है और कहां कहां ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से हम स्वयंसेवी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित उमराव, उनको सुन लेते हैं। रोहित जी, अभी आपने यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता को सुना एसएन सिंह, वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट यहां पर शुरू किए गए थे 80% वो कंप्लीट हो चुके हैं और जन सहभागिता जो है वो मानते हैं कि इसकी जरूरत है, तो ये कैसे हो सकती है। लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि वो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या आपको आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से सही जो है वो बात है, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है उसी तरीके से दिशा जो है गंगा के स्वच्छता मिशन को वो मिल पा रही है? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा करोड़ों रुपए सरकार इस कार्य में लगा रही है गंगा की स्वच्छता के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंगा स्वच्छता के नाम पर तमाम ऐसी एनजीओज और ट्रस्ट बना करके काम कर रहे हैं, जो आम जनमानस को जोड़ने के नाम पर उन जनमानस के साथ, उन जनमानस के द्वारा सहयोग तो ले रहे हैं, लेकिन वह आज भी गंगा की सफाई के नाम पर वो सारा पैसा गवर्नमेंट से ले लेते हैं, जबकि काम वो लोग कर रहे हैं जो जमीन पर लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पैदल यात्रा की, गंगा की पैदल यात्रा 16 सितंबर 2020 को प्रयागराज से शुरू की थी पैदल, मेरे साथ और भी लोग थे, वो अपने आप को फौजी कहते हैं और वो कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए सरकार से ले लिया और उन्होंने एक रुपया अपना नहीं खर्च किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड के उन तमाम लोगों ने गंगा की स्वच्छता पर लोगों से जुड़ जुड़ कर, जो हमने लोगों को स्कूलों में जा जा करके गांव गांव में जाकर लोगों से कंपेन की और लोगों को यह उनसे जुड़ करके व्यूज लिए कि हम कैसे गंगा को निर्मल बनाने के लिए हम आगे आए, हम कैसे गंदगी, अपना कूड़ा कचरा, अपने तमाम तरह के गाँव के गंदे जल को नदियों में ना डालें, नदी के किनारे हम एक वृक्ष माल तैयार करें, वृक्षों की माला, इसमें जन जन की सहभागिता है। उन लोगों ने हमें सहयोग किया, लेकिन हमने एनजीओ और ट्रस्ट के तमाम लोग जो सरकार से जुड़ करके काम कर रहे हैं, वो लोग सरकार उनके का उनके द्वारा लाखों करोड़ों रुपए मिला, जिसे कहते हैं क्राउड फंडिंग के रूप में जी। आज उन्होंने करोड़ों रुपए सरकार से ले लिया, क्या सरकार ने उनसे जवाब मांगा कि ये पैसा तुमने लगाया या कहां से आया? नमामि गंगे पे हजारों करोड़ रुपया लगा, यानी सिर्फ लोगों ने करोड़ों रुपया हजम कर लिया, कोई हिसाब किताब ना तो लिया गया ना ही दिया गया गंगा की स्वच्छता के नाम पर। सभा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, आप किस तरीके से अभी देख पा रहे हैं सरकार के इन तमाम प्रयासों को? योगी सरकार अब दावा कर रही है कि अविरल हो रही है गंगा उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से हमारे साथ जो स्वयंसेवी जुड़े हैं उन्होंने भी कहा कि पहले की सरकारों ने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गंगा की स्वच्छता को लेकर, इस अभियान को लेकर जितनी गंभीरता आप दिखाई जा रही है। देखिए, गंगा को जो उसकी स्वच्छता है, हमारी जब सरकार थी दिखाया था, और जो भी नदियां हैं उनको साफ करने के लिए तो समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया था हमारी सरकार, पर वो अलग नदी है, यहाँ गंगा की बात हो रही है, मगर फिर भी बनाया था नदियों के पास, उसको साफ किया था, उसको चारों तरफ से हमारी सरकार ने उसको चारों तरफ से उसकी दीवारें उठाई थी ताकि उसको एक शेप दिया जा सके, ताकि जो बाहर की गंदगी है उसमें ना आ सके। अब देखिए, यहीं पर अभी जो हमारे भाई है उन्होंने सवाल खुद ही उठा दिया, मुझे सवाल उठाने की जरूरत थी कि करोड़ों 20,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और उसके बाद क्या नमामि गंगे के नाम पर एनजीओ बनाकर लोग पैसा लेके चले जाएंगे, फिर सरकार की जवाबदेही नहीं होगी कि कितनी सफाई हुई? और दूसरी बात, आप खुद चले जाइए और गंगा के जो किनारे किनारे है वहां चल के देख लीजिए, टहल के देख लीजिए, आपको जस्ट कितना स्थिति दिखाई देगी। तो क्या 20,000 रुपए गंगा के अंदर फेंक दिए गए या कहीं पर ले जाकर उसको खा लिया गया? ये तो सीधे सीधे एक तरीके से एक और भ्रष्टाचार का
एक खेल शुरू हो गया है एनजीओ के नाम पर। वो कौन से लोग हैं जिनको एनजीओ के नाम पर बड़ा पैसा दे दिया जाता है, फिर उनको अकाउंटेबल नहीं रखा जाता है कि आप ये बताइए कि आपने क्या काम किया। दूसरी बात, एक पॉइंट और उठा रहा हूं मैं, आपको गंगा को साफ करना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है। गंगा को साफ का मतलब क्या है कि जो पानी है वो साफ हो जाए, आसपास का एरिया क्लीन रहे और गंगा की जो आसपास का एरिया उसको क्लीन हो जाए। मुझे लगता है कि चले लगता है मोहम्मद तारिक से हमारा संपर्क टूट गया है। सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी सकती है ना जी, चलिए तारिक जी जी बोलिए। चलिए मैं सुशील जी से यहाँ पर यही सवाल करना चाह रही हूँ। सुशील जी, आपने सभी लोगों की यहाँ पर बात सुनी है गंगा की स्वच्छता को लेकर। 1986 से जो है प्रयास शुरू हुए थे, हालांकि बाद में कुछ साल बाद कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर मोदी सरकार जब बनी केंद्र में, तब एक बार फिर से गंगा की साफ सफाई को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया, नमामि गंगे यहाँ पर मिशन शुरू किया गया, अभियान शुरू हुआ। तब से लेके अब तक आप कैसे देख रहे हैं कि जब से गंगा की सफाई के अभियान शुरू हुए, सरकारों ने जो दावे किए उस पर वो कितनी खरी उतरी हैं, अभी की स्थिति आप कैसे देख पा रहे हैं, और जो योगी सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो रूपरेखा सरकार की तरफ से तैयार की गई है, वो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये कारगर साबित होगी गंगा को साफ और निर्मल बनाने में? बेशक योगी जी और स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो ये 75 लोगों को सम्मान करने का निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। पॉजिटिविटी और प्रोत्साहन कहीं पर भी हो, किसी तरह का भी हो, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी उमराव जी ने, मुझे लगता है उन्होंने गंगा में बहुत काम किया और बहुत अच्छी बातें बोली, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन कायनात जी, सवाल तो इस बात का है, जब लोग कहते पिछली सरकारों ने, जब लोग पिछली सरकार कोसते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये अटल बिहारी कोसते हैं, कि ये इंदिरा जी कोसते हैं, कि चंद्रशेखर जी कोसते हैं, कि ये राजू जी कोसते हैं, कि देवगौड़ा कोसते हैं, कि इंद्र कुमार गुजराल कोसते हैं। आखिरी और 5 साल तो अभी मोदी जी भी हो गए, तो ये कोसते किसको है? पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, पिछली सरकार भी होता था। आप क्रिएटिव करिए। और मैं एक चीज और बता दूं कायनात जी, मैं खुदाओं को भगवानों को बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन गंगा नदी एक ऐसी है जो देश की आत्मा है। केवल गंगा नदी ऐसी है जो देश की आत्मा है। और इस गंगा नदी के साथ नमामि गंगे, अविरल गंगे, निर्मल गंगे, गंगा मंत्रालय बना के पता नहीं कितनों कपड़े साफ हो गए, कितनों ही कालिख लगाए जो चेहरे थे उस पर पार्लर, गंगे के नाम पे। और एकाध लाख करोड़ अरोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपया गंगा के नाम पर प्रदेश में और देश में। अरे एक मंत्री होती थी गंगा सफाई पे कि मैं नहीं, अगर गंगा साफ हुई तो मैं ये जल समाधि ले लूँ, पता नहीं क्या क्या कर लूँगी, कोई उमा भारती करके होती थी, पता नहीं आजकल कहाँ है वो। तो 5 साल गंगा मंत्रालय की मंत्री रही हैं, क्या वो बता सकती इस आंकड़े को कि उन्होंने गंगा कितनी साफ करी? गंगा के नाम पर जब मजाक चल रहा है, जिस दिन, और इसमें कोई शक नहीं उमराव जी ने जो कहा, हम सब जिस दिन अजान और चालीसा से हटके ये पत्थर जो फेंकते हैं, जो बम फेंकते हैं, अगर ये हाथ हमारे गंगा नदी के अंदर कूड़ा निकालने में लग जाएंगे, तो गंगा नदी सरकार के भरोसे और सरकार के सारे नहीं रह जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है, जो 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 आत्मा देश की गंगा नदी है, उसमें अभी कूड़ा फेंकना ये हम ही आप तो करते हैं जी। लेकिन सुशील जी, सुशील जी, क्या लगता है आपको, सरकार ने अब जो ये सम्मान योजना की एक शुरुआत की है, ये पहल की है, स्वयं सेवियों को सम्मानित किया जाएगा, इससे इस बात को जो है और आगे बल मिलेगा कि अभी तक जो लोग इस अभियान से नहीं जुड़े हुए थे, जानकर भी अनजान बनते थे, अब उन तक भी ये बात पहुंचेगी कि हमें गंगा को स्वच्छ रखना है, गंदा नहीं करना है, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। आम देखिए, ये जो ये जागरण है, ये जागरण जो लोग कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और ईश्वर इनको लंबी उम्र दे, इनकी इनको आत्मबल दे। लेकिन ये करोड़ों का, ये कोई 2-4 करोड़ का देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और कनाडा नहीं है, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है। यहाँ तो हम पूजा, हम जब अपने जागरण पूजा करते हैं, कथा करते हैं, एक अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं हिंदू इसलिए अपना उदाहरण दे रहा हूँ, कथा करते हैं या जो ये जो देवी जागरण होता है, जब होता है तो इसी का कूड़ा हम इतना डाल देते हैं नदी में गंगा जो पास होता है। आप देखिए पुलों पर झोले पॉलिथिन टंगी हुई है, तनों टंगी हुई है,
ये जिम्मेदारी, अब सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन सरकार का रोना हम सब कितना रोएंगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस पॉलिथिन को, तो यानी कि आप मानते हैं कि गंगा स्वच्छता अभियान के साथ जो है जन जागरण अभियान करने की भी अब जरूरत हो गई है, आम इंसान को भी अब इस मिशन से एक एक व्यक्ति को जोड़ने की अब जरूरत है सरकार को। कानपुर में गंगा धारा छोड़ चुकी है, अपनी मुख्य धारा से हटके पता नहीं कहां नवाबगंज उन्नाव कहां हरिद्वार के बाद तो गंगा का जो घाट है वो तो सब देख रहे हैं, सब चलिए एक अंतिम अंतिम यहाँ पर मैं चाहूंगी मैं मां ले लूं एस एन सिंह जी से, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। एस एन सिंह जी, यहाँ पर अभी जो तमाम लोगों ने, दूसरे लोगों ने बात रखी है उन्हें, उसे भी आपने सुना है, गंगा साफ करने की दिशा में जो भी कदम बढ़ाए गए हैं वो कितने कारगर साबित हुए हैं वो भी आपने देखा समझा, लेकिन अब सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए बिल्कुल तौर पे सरकार जो है बड़ी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कार्य कर रही है। आप देखे होंगे कि घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है, जो नहीं देखे हमारे दो भाई यहाँ बोल रहे थे, थोड़ा सा वक्त दीजिए बता दूं। बहुत कम है एसएन जी, हर जगह तक घाटों का जीर्णोद्धार हुआ, चेंजिंग रूम बने, शौचालय बने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, ऑक्सीडेशन प्लांट लगा है, बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया हुई है। दूसरी, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई अभी कह रहे थे तो हम उस तरह से कार्य नहीं करेंगे कि हम सारे पैसे सफाई महोत्सव में उड़ा दें, निश्चित तौर पे गंगा अविरल हो, गंगा का की स्वच्छता बढ़े, उससे हम पारदर्शी और चलिए यहाँ पर गंगा की सफाई को लेकर सभी के अपने दावे वायदे आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो दिखाई भी देते हैं सुनाई भी देते हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि गंगा जो है जिस तरीके से बात होती है कि निर्मल हो स्वच्छ हो वो आखिर कब होगी, और उम्मीद यहाँ पर अब सरकार की जो प्रयास है उनसे जगी है कि शायद ये प्रयास वो रंग जो है वो जरूर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में गंगा 27 जिलों से होकर बहती है, जिला बिजनौर से प्रवेश कर करीब 1140 किलोमीटर तक बहते हुए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना में मिलती है। कुल मिलाकर योगी सरकार की योजना प्रदेश में गंगा के प्रवेश स्थान से लेकर उसके संगम स्थान तक उसे स्वच्छ और निर्मल बनाने की है। जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा के लिए योगी सरकार की ये पहल वरदान साबित होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।